हरियाणा विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस के खेमे से ऐसे संकेत आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। सोर्सेज के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावना को लेकर सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के पक्षधर हैं। अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, मगर कॉन्क्रीट डिसीजंस जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बता रहे। कांग्रेस की तरफ से अलायंस के सिग्नल आते ही आम आदमी पार्टी में भी सरगर्मी शुरू हो गई। कांग्रेस के इस जेस्चर पर आम आदमी पार्टी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के वो लोग बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट का सवाल है, हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीट ऑफर कर सकती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 विधानसभा सीट चाहती है। सूत्रों का दावा है कि हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बना दी है। कमेटी में अजय माकन, दीपेंद्र हुड्डा और दीपक बाबरिया को शामिल किया गया है। केसी वेणुगोपाल सीट शेयरिंग की निगरानी करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट दी थी। भारतीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले आरएसएस बीजेपी वालों से करवाएंगे जाति जनगणना। जाति जनगणना के मुद्दे पर कल आरएसएस की ओर से जो कहा गया उस पर लालू प्रसाद यादव ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को न्याय नहीं देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में सरकार को मजबूर होकर के जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। एनडीए सरकार के भीतर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल है। इसकी पैरवी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए। जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। ऐसा लग रहा है जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। कल आरएसएस की ओर से आया संकेत अहम है। मणिपुर में 2 दिन में 2 ड्रोन अटैक होने के बाद पुलिस ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। मणिपुर पुलिस के डीजीपी ने कहा कि एनएसजी को सिचुएशन समझा दी है। मणिपुर में उग्रवादियों के हाथ में ड्रोन कैसे लगे, इन ड्रोन को किस तरह ऑपरेट किया जा रहा है, हमले के पीछे कौन कौन है, जब तक पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशती तब तक एक और ड्रोन अटैक हो गया। इम्फाल जिले का ये वो इलाका है जहां उग्रवादियों ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में 23 साल की महिला घायल हो गई। अब मणिपुर के डीजीपी ने ड्रोन अटैक पर चिंता जताई है, कहा सारे काउंटर मेजर्स अपना रहे हैं, दिल्ली को सिचुएशन भी समझा दी है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी से एंटी ड्रोन तकनीक की मदद मांगी गई है। दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोगों ने बात किया है, डीजी एनएसजी से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है। पुलिस के मुताबिक इम्फाल में सेंजाम चिरांग में सोमवार शाम को ड्रोन से 2 विस्फोटक गिराए गए। इससे पहले कोतरुक इलाके में ड्रोन से हमला हुआ था। सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने सवाल ये भी है कि हथियार बंद उग्रवादियों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग कैसे मिल रही है। हाई लेवल पे बात की है। दी सेंटर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल सपोर्ट टू अस और इस चीज में दे आर ऑल्सो वरीड एंड वी आर ट्राइंग टू गेज की किस तरह से इसको टैकल किया जा सके एंड वी ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। पिछले साल तक ड्रोन का इस्तेमाल हथियारबंद गुटों पर नजर रखने के लिए होता था, लेकिन अब ड्रोन से बम बरस रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मणिपुर को सुलगाने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई हैं? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।